हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक नई वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अपने वर्कआउट से पहले, और अगर आप वो रेगुलर मिस्टेक करते हैं तो आपकी जो वर्कआउट की परफॉर्मेंस होती है जिम में, जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है और उसका जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए वीडियो देखते रहिए, कीप वॉचिंग फिट ट्रेंड स्टूडियो। थोड़ी देर में मिलते हैं। वेलकम बैक टू फिट ट्रेंड स्टूडियो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चल जाए। मैं बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियोस भी डालते रहता हूँ, तो वो जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारी रील्स वीडियो और बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं वो डालता रहता हूँ। सो उधर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहली मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, ट्रेनिंग योर कोर बिफोर योर वर्कआउट। बहुत सारे लोग एप्स का वर्कआउट करते हैं अपने फंक्शनल ट्रेनिंग से पहले, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी कोर होती है वो आप जितनी भी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, मेनली जो आपकी कंपाउंड एक्सरसाइजेस होती है उसमें कोर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और अगर आप एप्स की एक्सरसाइज वर्कआउट से पहले लगाते हैं तो आपकी जो कोर की मसल्स होती है वो सोर हो जाती है, और जो उसका सपोर्ट आपको चाहिए होता है आपके पूरे वर्कआउट के दौरान वो आपको नहीं मिल पाता। जैसे कि आप स्क्वाट्स लगा रहे हैं या डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, उसमें आपकी कोर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, और अगर आपकी मसल्स वो सोर हो चुकी हैं तो आपका जो सारा लोड होता है वो आपके बैक पे आ जाता है। इससे आपकी बैक में इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको एप्स की एक्सरसाइजेस या तो वर्कआउट के बीच में या फिर आप एंड में बेस्ट ऑप्शन है अगर आप उसको इंक्लूड करें। सेकंड जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं वो है इंटेंस कार्डियो करना आपके वर्कआउट से पहले। सो अगर आप इंटेंस कार्डियो करते हैं वर्कआउट से पहले, तो ये आपको जानने की बहुत ज़रूरत है कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं बॉडी में वो यूटिलाइज होते हैं, उससे आपको एनर्जी मिलती है पूरे वर्कआउट के दौरान। और अगर आप इंटेंस कार्डियो कर रहे हैं या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कार्डियो करते हैं, तो उसमें आपको जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो जब आपको एक्चुअल ज़रूरत होती है ज़्यादा वेट लिफ्ट करने की या फिर एनर्जी की, वो आपको नहीं मिल पाती। इससे आपके इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और जो आपका परफॉर्मेंस होती है वो भी डिग्रेड होती है। तो जो आपका वर्कआउट या वेट लिफ्टिंग से आपको रिज़ल्ट आने चाहिए वो आपको नहीं मिल पाते। तो इसलिए अगर आपको कार्डियो करना है तो या तो आप सेपरेट एक सेशन रखिए, बट बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक सेपरेट सेशन रखे, तो इसलिए आप वर्कआउट के कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आप अपना कार्डियो परफॉर्म करें। इससे आपको एक और फ़ायदा होगा, जब आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो जो आप जब कार्डियो करेंगे तो आपको जो एनर्जी बॉडी यूटिलाइज करेगी वो आपके फैट स्टोर से करेगी। सो इससे आपको फैट कम करने में भी हेल्प मिलेगी। थर्ड जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं, और मैंने भी जब वर्कआउट करना स्टार्ट किया था मेरे इनिशियल डेज में, मैं भी ये गलती करता था, कंज्यूमिंग बिग मील्स क्लोज टू योर वर्कआउट। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर वो अच्छा खा के जाएंगे, बिग मील कंज्यूम करके जाएंगे, तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी वर्कआउट के दौरान और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर आप मील कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको जो उसके बीच का ड्यूरेशन जो होता है वर्कआउट और मील के, उस पर ध्यान देना है। अगर आप बड़ी मील कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको 2.5 से 3 घंटे पहले वो कंज्यूम करनी है, ताकि आपके बॉडी को इनफ टाइम मिल जाए उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप स्मॉल मील भी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको 1 से 1.5 घंटे पहले वो कंज्यूम करनी है, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, और जो आपको और जब आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़े वर्कआउट के दौरान एक्स्ट्रा पुश करने के लिए, वो आपको मिलनी चाहिए। वो जब ही मिलेगी जब आपका वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। अब लोग हैवी मील कंज्यूम करके चले जाते हैं, तो सो इस केस में जब आपने फूड कंज्यूम किया है और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है और आपने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपकी जो बॉडी होती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि फूड डाइजेस्ट करे या
जब जब आप जो मसल ट्रेन कर रहे हैं उसमें ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ करें, और आप प्यूकिश फील करेंगे, आपको उल्टी आएगी, या आप लेथार्जिक फील करेंगे, आपको नींद आएगी, आपको ज़्यादा एनर्जी अच्छी फील नहीं होगी। तो इसलिए आपको बिग मील्स कंज्यूम करना वर्कआउट से पहले अवॉइड करना है। अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि उसके बीच का जो टाइम है वो इनफ होना चाहिए ताकि आपका फूड डाइजेस्ट हो जाए। नेक्स्ट जो गलती हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा प्री वर्कआउट बिफोर योर वर्कआउट। जो प्री वर्कआउट होता है आप सबको पता है उसमें कैफीन होता है जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है। तो कैफीन हमें सबको पता है हमारा फोकस इंक्रीज करती है, मसल माइंड कनेक्शन बनाती है वर्कआउट के दौरान। बट अगर आप एक्स्ट्रा एक लिमिट डोज से ज़्यादा प्री वर्कआउट कंज्यूम करते हैं तो उसके बेनिफिट मिलने के बजाय वो आपके वर्कआउट को ख़राब भी कर सकते हैं। जब आप प्री वर्कआउट लेते हैं तो आप एक टिंगलिंग सा एक आपको फीलिंग आती है, वो जब आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि लोगों को एक एडिक्शन भी हो जाती है उससे, और जब तक वो एक टिंगलिंग सेंसेशन नहीं आता तो उनको मज़ा नहीं आता वर्कआउट करने में। ज़्यादा कैफीन कंज्यूम करने से क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, आपको वर्कआउट के दौरान चक्कर भी आ सकते हैं, डिजीनेस भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी आ सकती है, और आपका पेट ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि प्री वर्कआउट आप कंज्यूम करें तो एक लिमिट में कंज्यूम करें, और हो सके तो जो आपकी जो मेजर मसल ग्रुप्स होती है जब उसको आप टारगेट कर रहे हैं जैसे कि लेग्स हो गई या बैक हो गई, उस दिन आप उसको कंज्यूम करिए, बाकी के दिन आप नॉर्मल कॉफ़ी से भी आप काम चला सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अक्सर हम लोग गलती करते हैं, इट्स नॉट गिविंग योर बॉडी इनफ रेस्ट बिफोर योर वर्कआउट। अगर आपने आज कोई मसल ग्रुप टारगेट की है और नेक्स्ट डे तक उसमें उसके बीच में आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिला है, प्रॉपर स्लीप नहीं मिली है, और आप फिर भी वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो तो डिग्रेड होगी, और जो आपको आउटपुट मिलना चाहिए उस वर्कआउट से वो आपके बॉडी को नहीं मिल पाती। तो इसलिए ये ध्यान देना है, अगर आपके बॉडी को रेस्ट नहीं मिला है, प्रॉपर स्लीप नहीं मिली है, तो बॉडी को रेस्ट दीजिए ताकि आपकी जो मसल्स है वो रिकवर हो सके और नेक्स्ट वर्कआउट सेशन के लिए तैयार हो सके। तो ये सब जो मिस्टेक है वो आप अवॉइड कीजिए। मैं भी जब मैंने अपना एक जर्नी स्टार्ट की थी, फिटनेस की जर्नी, जब मैं वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, मैं भी ये गलतियाँ करता था। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि ये आप मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए ताकि आपका जो गोल है, कोई भी हो आपका गोल, फैट लॉस या मसल बिल्डिंग, उसमें आप जल्दी वो गोल अचीव कर पाएँ और आपको अच्छे रिजल्ट मिले। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।